Hey guys, welcome back to my channel. So guys, in today's video, I'm going to share my Amazon footwear haul. So yes, ये haul जो है basically under 600 होने वाला है. बहुत ही मजेदार haul होगा. तो चलिए video start करते हैं. Video helpful रहते then please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon also. So yeah, without any further ado, let's get into the video. सो गाइस, मैं जितने भी फुटवेयर आपके साथ शेयर करूंगी उनके आपको ट्राई ऑन भी इस वीडियो में मिल जाएंगे, एज वेल एज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं. और उसके साथ साथ आपको एक माई हॉल स्टोर का भी लिंक मिलेगा. अगर आपको आज का मेरा पूरा कलेक्शन एक साथ ही देखना है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं और डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, माई फर्स्ट प्रोडक्ट इज दीज बूट्स फ्रॉम द ब्रांड नोन एज ज़ापाटॉस. तो गाइज, इसमें ना मेरे पास पहले से एक बूट मैंने ट्राई किए थे इस ब्रांड से, जो कि थे मैट फिनिश में. उनमें यहाँ पे फोर डिटेलिंग था, तो मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे. उनकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब थी, तो मैंने इस बार विंटर के लिए ये ट्राई किया. बिकॉज जैसे ही आप इनमें पैर रखते हो ना, बहुत ही वॉर्म फील होता है, मुझे बहुत सही लगे. ऐसे ना समर में भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है. ओके, तो इनकी बात करते गए. सो मैंने ये बूट्स परचेज किए हैं शाइनी फिनिश में, एंड यू कैन सी कितने ज्यादा क्लासी लग रहे हैं. ओके, इसकी बात करें तो गाइज, आपको हील भी मिल जाती है. इफ यू आर शॉर्ट हाइट देन डेफिनेटली आपके लिए ही बने हैं. तो गाइज, ये शाइनी बूट्स है, इसमें गोल्डन पूरा डिटेलिंग है, जैसे कि आप यहाँ डिटेलिंग देख सकते हो, जस्ट डिजाइन है. देन आपको यहाँ पे डिटेलिंग मिल जाती है, वो भी गोल्डन से. इस साइड आपको जिप मिलती है, जिससे कि आप इजिली इन बूट्स को वेयर कर सको. बहुत ही कंफर्टेबल आपको फील होगा वेयर करते टाइम, और ये ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. मुझे ये बूट्स बहुत अच्छे लगे. सो अगर आप भी बूट्स चाह रहे हो बाय करना, तो आप जा सकते हो इन बूट्स के लिए. इसमें आपको ब्राउन कलर भी मिलेगा और ब्लैक कलर भी शाइनी वाले में, सेम डिजाइन में. बाकी ज़ापाटॉस के बहुत सारे अच्छे अच्छे बूट्स हैं, तो आप कोई भी परचेज कर सकते हो. मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आए. अकॉर्डिंग टू प्राइस, इनकी क्वालिटी गाइस सुपर्ब है, लाइक अमेजिंग क्वालिटी है. आई जस्ट लव दीज, एंड डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी. आपको ट्राई ऑन इस बार साइड बाय साइड नहीं मिलेगा. जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी, उसके बाद आपको ट्राई ऑन मिलेगा, जिससे कि आप यू नो पास से देख पाओगे और आपको समझ आएगा कि कैसे लगते हैं पहनने के बाद, और यू नो क्वालिटी कैसी है इनकी. बाकी इनकी फिनिशिंग आपको मैं शो कर देती हूँ पास से. यू कैन सी फिनिशिंग इनके बहुत अच्छी है, लाइक डिटेलिंग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है. सो या मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, एंड मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करने वाली हूँ बूट्स को, जरूर ट्राई करिएगा. टोटल 6 फुटवेयर परचेज किए हैं, जिनमें से 4 मेरे हैं खुद के और 2 मैंने मम्मा के लिए परचेज किए हैं. सो गाइस, नेक्स्ट आई गॉट दीज हील फ्रॉम द ब्रांड नोन एज, आई डोंट नो कि वैसे ये अमेज़न के ही डब्बे में आए थे, तो ये शायद अमेज़न का खुद का ब्रांड हो सकता है. ओके, तो मैंने ये व्हाइट हील्स परचेज किया. आपको स्क्रीन पे पिक दिख जाएगी कि ये शो कैसे हो रहे थे साइड पे. तो ये कुछ इस टाइप से रिसीव हुआ, जो कि क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी मुझे. एंड दिस इज बाय द ब्रांड नोन एज धरोहर. यहाँ पे आपको ब्रांड का पूरा यू नो टैग वैग मिल जाता है, बट इसका खुद का बॉक्स नहीं आया, अमेजन के बॉक्स में ही आई है. ओके, तो हील की बात करते गाइस, तो ये कुछ आपको इस टाइप की व्हाइट हील मिल जाती है. अगर आपको फुटवेयर का क्रेज है, तो आपके पास एक बेसिक व्हाइट हील, ब्लैक हील और व्हाइट शूज और ब्लैक शूज होंगे ना, देन यू आर गुड टू गो. आपको और ज्यादा चीजें लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनको आप सिंपली किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो. ओके, तो मेरे पास ना ऑफ व्हाइट हील्स थी, बट प्रॉपर व्हाइट हील्स नहीं थी, तो इस बार मैंने व्हाइट हील परचेज की है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रैपी डिटेलिंग है, और ये ऐसी हील है, इनका जो मटेरियल आप देख सकते हो. इनको आप ना वैसे अभी जो रेनी सीजन है उसमें भी पहन सकते हो. हील का साइज भी बहुत अच्छा है, ब्लॉक हील है, तो जो भी पेंसिल हील में कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो इस टाइप की हील के लिए जा सकते हैं. एंड हाँ, मैं अपना साइज बताना आप लोग को भूल गई, वैसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ही दूंगी. वही आप देख सकते हो, मेरा साइज 38 है. एनीवेज, तो फिर आपको यहाँ पे गाइज ये स्ट्रैप की डिटेलिंग मिल जाती है, क्लोजर मिल जाता है. सो या मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये वाला हील का पेयर, एंड मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगी पहनने के बाद, ये बहुत ज्यादा क्लासी लग रहा है. और इसका जो प्राइस था उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बिकॉज बहुत ही चीप रेट्स पे मुझे मिल गई थी. यू कैन सी कितनी ज्यादा अच्छी है, राइट? और हील भी बहुत ज्यादा नहीं है कि आप इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, ऐसा नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे. एज वेल एज इसका जो सोल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है. सो ओवरऑल ये हील मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी. इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, तो अगर आपको व्हाइट नहीं परचेज करनी, देन आप किसी और कलर के लिए जा सकते हो. नेक्स्ट हील है, वो है
है बाय ब्रांड नोन एज शूटोपिया और इसकी हील्स तो मैंने बहुत बार ट्राई किए हैं, मुझे जब भी मैंने ट्राई की मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है। इनके डिज़ाइन इतने सही होते हैं, चीपर रेट्स में आपको बहुत मस्त वाले डिज़ाइन मिलते हैं एज वेल एज क्वालिटी भी bomb.com होती है। ओके सो आई गॉट दीज यू नो पिंक हील्स और ये जब मैंने वेयर की, मतलब इसको मैंने एक मंथ पहले मंगवाया था और जब मैंने इसको वेयर की, मैंने पिक्स डाली, रील्स डाले, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, लाइक लिटरली बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये हील्स कहाँ से है। तो मैंने तब तो नहीं बताया किसी को, मैंने कहा थोड़ा सबर करो बता दूंगी। सो गाइस ये कुछ हील इस टाइप की है, यू कैन सी आपको साइड पे पिक भी मिल जाएगी कि किस टाइप की लगती है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की हील मिलेगी, ओपन है, आप देख सकते हो पेंसिल हील है, बट ये हील बहुत ज़्यादा हाई नहीं है कि आप इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करो, कंफर्टेबल फील करो कि अगेन आप मेरा नंबर भी देख सकते हो। तो ये आप देखोगे ना, तो गाइस इसमें जो फिनिश है ना, मतलब लाइट पिंक कलर की है, ये ना ऐसा लगता है देख के कि वेलवेटी सॉर्ट ऑफ कुछ है इसके ऊपर, है ना, जबकि ये वेलवेट नहीं है, ये फैब्रिक ही ऐसा है, मुझे नहीं पता इस फैब्रिक को क्या बोलते हैं, बट ये फैब्रिक ऐसा है कि ना वेलवेट फिनिश लगता है, ऐसा लगता है वेलवेटी यू नो फिनिश है इसमें, सैटिन वेलवेटी सॉर्ट ऑफ फिनिश लगती है देख के। उसके साथ आपको एक गोल्डन डिटेलिंग मिल जाती है ऊपर, जो कि इस टाइप से क्रिस क्रॉस आएगी जब आप इसको वेयर करोगे, तो क्रिस क्रॉस आएगी, मैं आपको ट्रायल में अच्छे से समझा दूंगी। तो ये गोल्डन कलर का ये डिटेलिंग आ रहा है, क्रिस क्रॉस में ये आएगा और इस टाइप का कुछ इनका लुक आएगा। ओके एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ब्रांड नेम मेंशन है। तो इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक इसमें येलो है और एक इसमें है ये पिंक कलर, जो कि आप जो भी कलर चाहो परचेज कर सकते हो। मुझे येलो परचेज करना था बट वो मेरा साइज आउट ऑफ स्टॉक था, तो मैंने सोचा पिंक परचेज कर लेते बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बेसिक ये जो हील है ना, आप इसको वेस्टर्न के साथ तो पेयर अप कर ही सकते हो एज वेल एज इंडियन के साथ भी चल जाएगी बिकॉज इस पर गोल्डन डिटेलिंग है, तो मोस्टली इंडियन आउटफिट्स में गोल्डन यू नो वर्क होता है, तो ये इंडियन आउटफिट के साथ भी ईजिली चल जाएगी और आपका जो वेस्टर्न आउटफिट है उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मुझे ये हील भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, सो आप इनके लिए भी जा सकते हो। एंड क्वालिटी गाइस अमेजिंग है, मतलब आप इसे पास से देखो आपको पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी मुझे। मम्मा के फुटवेयर की एक पहले मम्मा का भी दिखा ही दूँ, अपने अपने बताए जा रही हूँ। तो गाइस ये खुद अमेज़न का खुद का ही ब्रांड था, कुछ इस टाइप से मुझे रिसीव हुए थे एंड ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट हील है। ओके ट्रांसपेरेंट हील बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड में है और आपने अगर मेरी ट्रांसपेरेंट हील देखी है तो काफ़ी लोगों ने सिमिलर परचेज किया, लाइक मेरे फ्रेंड्स फैमिली ने, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी लोगों को एंड मेरी मम्मा को भी ना मेरी हील्स बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एंड शी वॉज लाइक कि मुझे भी ऐसी बाय करनी है। मैंने वो डेली से बाय की थी और मुझे बहुत चीपर रेट में भी मिल गई थी, बट फिर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे मैंने सोचा है मम्मा के लिए ऑर्डर कर देते हैं अपन अमेज़न से। तो मैंने ये ऑर्डर किए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंट है ये और बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज आप इसको किसी भी आउटफिट के साथ पेयर अप कर सकते हो, मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फुटवेयर जाएगा देन ये तो है ही ना। और इसकी हील आप देख सकते हो ब्लॉक हील्स और एज वेल एज मम्मा के लिए तो इसकी हील साइज भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि मम्मा की हाइट वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उनको इतनी हाई हील्स की नीड भी नहीं होती और मम्मा वगैरह ना कंफर्टेबल इतना फील भी नहीं करते, तो इसलिए इतनी हील परफेक्ट रहती है। एंड एक्चुअली इसका ब्रांड नेम यहाँ पे लिखा हुआ है लोगो टेडॉल करके कोई ब्रांड है, आई डोंट नो, बट ये कुछ इस टाइप की है। मेरी वाली हील सिमिलर ऐसी ही है बट उनकी हील साइज बहुत ज़्यादा है और मेरी तो हाइट शॉर्ट है इसलिए मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। मम्मा का जो साइज़ है वो है 7 और वैसे 48 ओके और उन पर बहुत अच्छी लग रही थी, तो वही ट्राई ऑन भी आपको करके दिखाएंगी। मैं इनका ट्राई ऑन नहीं करूँगी, मम्मा से ही करवाऊंगी आज इनका ट्राई ऑन, यार कुछ तो बनता है ना, मैंने उनके लिए बाय किया तो वो मेरे लिए ट्राई ऑन नहीं कर सकती, तो अगर मैं करके दिखाऊंगी ना गाइस तो मेरे पैरों में थोड़ी बड़ी लगेंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लुक नहीं आएगा एकदम, बिल्कुल फ्लैटरिंग नहीं लगेगी, तो मम्मा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भैया ट्राई ऑन तो करके दिखाओ। तो यू कैन सी कितनी ज़्यादा अच्छी है यार, ये ट्रांसपेरेंट हील्स ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये बहुत चीपर रेट में मुझे मिल गई, तो अगर आप भी बाय करने की सोच रहे थे तो आप बाय कर सकते हो इनको, मेरी तरफ से बहुत बड़ी वाली हाँ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई।
भी आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप से शूटो पे आके आपको बॉक्सेस मिल जाते हैं। एंड फर्स्ट हील जो है मेरी गाइस वो मेरे लिए है, ये है ब्राउन हील्स और इसमें आपको एक और कलर मिलता है जो कि है ब्लैक। ओके, तो ये ब्राउन हील कुछ इस टाइप की आप देख सकते हो, ये इस टाइप से आएगा, आपको ट्रायल में बेटर आइडिया मिल पाएगा। और यहाँ पे ये ना गोल्डन स्ट्राइप है, वैसे जो ब्लैक वाली है इसमें ब्राउन और ब्लैक का ऑप्शन था, तो ब्लैक वाली पे यहाँ पे सिल्वर है और इसमें गोल्डन है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और हील भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ब्लॉक हील है, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे क्योंकि मैं मोस्टली आजकल हील ही पहन रही हूँ और अगर मैं पेंसिल हील वेयर करूँगी तो इतना मैं कंफर्टेबल फील ही नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं सोची कि ब्लॉक हील्स में थोड़ा इन्वेस्ट करूँ। दैट द रीज़न आई गॉट दिस वन। एंड इसमें ये स्ट्रैप की डिटेलिंग है। तो गाइस ये वाली हील मुझे फर्स्ट ऐसी हील है शूटोपिया की जो पसंद नहीं आई, उसका रीज़न ये है कि अगर इसके बैक में कुछ सपोर्ट होता ना तो ये ऐसे रहता। अभी आप अगर ट्रायल में देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, ये बहुत ज़्यादा ओपन है तो ना बहुत ही अजीब सा लुक आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी और के लेके पहनी हुई है, मेरी तो है ही नहीं, मतलब बहुत ही लूज और ऐसा इफेक्ट दे रहा है, जबकि लूज नहीं है बट इस चीज़ की वजह से ना लूज लग रही है। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आई और ये इसी चीज़ की वजह से पसंद नहीं आई, तो ये आप लोगों पर भी इतनी फ्लैटरिंग ऑब्वियसली नहीं लगेगी। तो ये वाली मैं हील आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बाय चांस अगर आपको फिर भी पसंद आए तो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है बट थोड़ी सी कमी की वजह से मुझे इसको ना कहना पड़ रहा है, तो मैं डेफिनेटली इसको तो रिटर्न ही करूँगी क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं। आप देख सकते हो क्वालिटी वगैरह अमेजिंग है, लुक बहुत प्यारा है, बट अगर इसके बैक में कुछ सपोर्ट होता ना इस टाइप से तो ये फिर लुक ऐसा आता, अभी ये ना लुक बहुत ही अलग सा आ रहा है। के लिए है, वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी और मैं सोच रही थी कि मैं खुद के लिए भी ले लूँ, फिर मैंने सोचा यार सेम क्या बाय करना, मम्मी की ही पहन लेंगी। तो ये होता है बिजनेस, दिस इज बिजनेस। ओके, तो ये मैंने ली है इस टाइप की बेसिक, इस टाइप की हील है, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है, ब्लॉक हील है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, वाइट इन कलर में। इसमें 3 कलर ऑप्शन थे, पिंक, ब्लैक एंड वाइट, बट वाइट बहुत प्यारा लग रहा था। गोल्डन डिटेलिंग है, तो ये इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ चल जाएंगी। और आप देखो लुक, देखो यार, मतलब इनका लुक आप देख रहे हो कितना क्लासी है, और इस प्राइस रेंज में इतनी क्लासी हील देख रहे हो, कितनी ज़्यादा क्लासी है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मम्मा को भी ये और मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं खुद के लिए भी ले लूँ। आप बताना कमेंट में कि मैं खुद के लिए यही कलर बाय करूँ या इसमें कोई और बाय करूँ या फिर नहीं बाय करूँ, मम्मा की पहन लूँ, तो आप कमेंट में बताना। बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और अगेन मम्मा का जो साइज़ है वो 7 है, वैसे 40 है। तो और इसका अच्छा चीज़ मुझे ये लगी कि ना इसको यहाँ से नहीं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कि देखो बिल्कुल भी हार्ड नहीं, आप इजीली पहन सकते हो। हार्ड होता है ना तो फिर वो चुभता रहता है पैरों में, तो उससे ना शू बाइट होता है, बट इसमें ना बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, तो शू बाइट की इशू नहीं है। और यहाँ पे ना एक गोल्डन पूरा डिटेलिंग हो रखी है, तो आप इसको इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ पहनोगे ना तो बड़ा क्यूट सा, बड़ी अच्छी लगेगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्लासी वाला लुक देगी ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एज वेल एज बहुत कंफर्टेबल भी फील करते हो इसमें आप, तो अच्छी हील है, डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी, यू कैन ट्राई दीज। ये था मेरा अमेज़न का फुटवेयर हॉल, अगर आपको और भी हॉल्स देखने हैं लाइक किसी भी और प्रोडक्ट के, देन यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज हिट द लाइक बटन अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो। और जो ये वीडियो यहाँ पे दो दिखेंगी अभी आपको या दिख रही होंगी, इनको भी ज़रूर चेकआउट करना प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मुझे अच्छा लगेगा। और कौन सी आपकी फेवरेट थी, हाँ ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।